What is the impact that Anil Kapoor has had on your career, on your work, on your life, as a friend, as a person in the film industry who is extremely successful? क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? और मैं अनिल जी को तब से जानता हूँ जब मैं राज कपूर साहब के साथ असिस्टेंट हुआ करता था प्रेम रोग में. आई यूज़ टू गिव क्लैप. 6-7 असिस्टेंट थे, मैं 7वां असिस्टेंट था. मैं अनिल जी को तब से जानता हूँ. अनिल जी तब से भी मतलब तभी भी जो है बहुत ही प्यार मोहब्बत से उन्होंने हमेशा बात की. उसके बाद काफी वक्त गुजरा एंड देन आई बिकेम राइटर. तो मैंने इनकी फिल्म लिखी लाडला. तो लाडला के बाद थोड़ी दोस्ती नजदीकी शुरू हुई एंड मैंने जब फिल्म उनको सुनाई उन्होंने बहुत इंकरेज किया मुझे यार बहुत. तो उस वक्त अनिल जी जो हैं उनके साथ काम करना मेरे लिए बड़ी बात थी, इसलिए कि इतने सीनियर एक्टर, इतने बड़े एक्टर उनके साथ फिल्म. उसके बाद मैंने इनकी फिल्म लिखी दीवाना मस्ताना, तो वो भी फिल्म बहुत कामयाब हुई. फिर मुझे याद है कि एक फिल्म में मैं राइटर था और जो डायरेक्टर साहब थे उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो प्रोड्यूसर साहब ने अनिल जी से कहा कि अनीस कर ले डायरेक्शन, इसलिए कि एक दिन दो दिन की शूटिंग है. और डायरेक्टर ने कहा है कि भाई अगर अनीस करता है तो ठीक है. तो इन्होंने कहा एकदम इमीडिएटली, उन्होंने कहा भेजो अनीस, बिकॉज आई नो अनीस कि अनीस जो है वो सिर्फ राइटर नहीं है, राज कपूर साहब के साथ उन्होंने असिस्टेंट का काम किया है और 15-20 लोगों के साथ काम किया है. मैंने फिल्म में पहले दिन की शूटिंग की उनके साथ. जिंदगी का पहली मरतबा जो स्टार्ट साउंड जो है वो मैंने अनिल जी के साथ किया. शूटिंग खत्म हो गई, सीन ठीक हुआ होगा मुझे लगता है, लेकिन जितना उस टाइम पे इन्होंने मुझे इंकरेज किया, मुझे इतना एक बड़ा डायलॉग उन्होंने बोला उस वक्त इनके मुंह से, वो डायलॉग मुझे लगता है कभी कभी इंसान जिंदगी में किसी को कुछ बोल दे वो भी बहुत बड़ा तोहफा होता है. तो अनिल जी ने मुझे कहा कि अनीस आगे जिंदगी में जब भी तुम डायरेक्टर बनोगे मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा. तो वो एक उस वक्त बहुत बड़ी बात थी. उसके बाद हमेशा से जब मैंने काम साथ में किया बहुत ही प्यार दिया इन्होंने, एक फैमिली की तरह ही है मेरे साथ मामला इनका. और मैं बहुत इसलिए कंफर्टेबल रहा कि अनिल जी के साथ शूटिंग पर वो ऐसा लगता नहीं कि कोई बोझ है, कोई शूटिंग है, बहुत मस्ती रहती है, बहुत एनर्जी रहती है. और उसके अलावा जब आप ये मल्टी स्टार फिल्में बनाते हैं तो उसमें क्या है 15-20 एक्टर होते हैं, उनके अलग अलग टेम्परमेंट होते हैं, उसमें से कुछ लोग ज़रा अलग भी होते हैं, तो बहुत सवालात होते हैं डायरेक्टर के लिए यार ये क्या हुआ ये क्या हुआ. तो आधे सवाल तक मुझ तक पहुंचने भी नहीं देते नहीं है. आया बकवास मत करो, अनीस कर रहा है सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है, वेट रखो उस पर. तो बहुत माहौल, इस माहौल में और इस तरह हम लोगों ने काम किया. तो इनके साथ मुझे लगता है कि हर वो जो फिल्म मैंने की है वो बहुत यादगार है. और आज मैं पलट के उस तरफ देखता हूँ, चाहे वो नो एंट्री हो, वेलकम हो, तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई है.